इस प्रिंसिपल में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फंडा है कि बिजनेस शेड बी कैरी डाउन इन फोरसीएबल फ्यूचर। Should be carried on in foreseeable. Foreseeable means जो पीरियड हमारे सामने दिख रहा है, जो आ रहा है आने वाले दो साल तीन साल, ये हमारा एक foreseeable term होता है। 15 years, 20 years, 50 years की हम बात नहीं कर रहे, ये हमारा foreseeable। जैसे हम बोलते हैं business weather forecasting, forecasting जो होती है वो आने वाले एक short term की बताती है, but accountancy में foreseeable means आने वाले दो तीन साल में। तो हमारा ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो, प्रॉफिट में चल रहा हो लॉस में जा रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये अज्यूम करना है कि इट शुड बी कैरी डाउन, इट शुड बी कंटिन्यूअसली कंटिन्यू इन फोरसीएबल फ्यूचर। मींस जो आपके आने वाला जो पीरियड है उस पीरियड में यह बिजनेस चलता रहेगा, भले ही लॉस में जा रहा हूं, जब तक ये फाइनली क्लोज नहीं हो, वाइंड अप नहीं हो, उस डेट तक आपको ये अज्यूम करना ही नहीं है कि बिजनेस बंद होगा। इसका बेनिफिट क्या? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हमने बिजनेस को फोरसीएबल फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं माना तो वी विल नेवर क्रिएट नॉन करंट असेट, या हम बोल सकते हैं फिक्स्ड असेट। हम कभी फिक्स्ड असेट को क्रिएट करेंगे ही नहीं। हम जितनी भी हमारी फिक्स्ड असेट क्रिएट करते हैं, जिसको हम नॉन करंट असेट भी बोलते हैं, तो या जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस में, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका क्रिएशन ही एक्चुअली गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। हम एक एग्जांपल के फॉर्म में लें कि मुझे, हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक बिजनेस यूनिट है, और आपके पास कैपिटल है 1 करोड़। आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बोला हम एक बिल्डिंग परचेज करके बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप बिल्डिंग परचेज करने की बात कर रहे हैं, मींस आप एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने की बात कर रहे हो, और आपको ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली चलाना है, तो ही तो आप फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर रहे हो। आपने एक बिल्डिंग परचेज की से फॉर ₹30 लाख, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें फर्नीचर इंस्टॉल करवाया ₹10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी इसके प्रोडक्शन के लिए चाहिए थी ₹40 लाख, ₹80 लाख का आपने इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, ₹20 लाख से आपने कुछ स्टॉक परचेस किया और फर्दर वर्किंग कैपिटल के लिए रखा और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो आपको अगर बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलाना हो तो कोई भी बंदा ये फिक्स्ड एसेट को क्रिएट नहीं करेगा। अब आपका ये बिजनेस चल निकला, चल रहा है 2-3-5 साल हो चुके हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक अजम्पशन, एक एग्जांपल लें कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया किसी दूसरी सिटी का, मुंबई का, और ये आपका किसी और सिटी में, दिल्ली में बिजनेस चल रहा है, मुंबई से आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया फॉर अ टाइम बीइंग, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट विद इन 4 मंथ्स कंप्लीट करके देना है, बट आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको या आपके बिजनेस का जो भी बंदा है, आपका मैनेजर है या आपका ब्रदर है जो भी, उसको 4 मंथ्स के लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा और वहां पर एक ऑफिस यूनिट डालना पड़ेगी, ठीक है। अब उसने 4 मंथ्स के लिए, वो बंदा, क्या वो 4 मंथ्स के लिए कोई ऑफिस बिल्डिंग परचेज करेगा? ये परचेज करेगा? नो। फर्नीचर परचेज, अगर उस फर्नीचर भी जहां तक पॉसिबल होगा वो फर्नीचर को भी किस पर लेने की कोशिश करेगा? रेंट। ऑफिस बिल्डिंग भी कौन सी लेगा? वो रेंटल। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बिजनेस मेरा गोइंग कंसर्न नहीं है, 4 मंथ के बाद हमें इसको वाइंड अप करना है और वाइंड अप करके वापस जाना है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म ही 4 मंथ है। तो इस बंदे ने एक ऑफिस बिल्डिंग रेंटल ली, फर्नीचर हुआ पॉसिबल तो रेंटल लिया, और रेंटल लेने के बाद में एक ऑफिस स्टार्ट कर दिया फॉर द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चल रहा है। 4 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, तो 4 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद ये बंदा सब कुछ देगा, रेंटल ऑफिस को वापस करेगा, उनको जो फर्नीचर रेंट पे लिया उसको देगा 4 मंथ्स का रेंट पे करने के बाद, और वापस अपने जो भी इसका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पर ये पहुंच जाएगा। अब देखें, इन दोनों में डिफरेंस ये,
कि इस बिजनेस के लिए आपने सारी फिक्स्ड एसेट क्रिएट की, इस बिजनेस के लिए आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं की, क्योंकि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं था और यहां पर आपका गोइंग कंसर्न है। तो इस गोइंग कंसर्न के लिए आपने फिक्स्ड एसेट क्रिएट की। तो जितनी भी नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट हो रही है, जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया और बताया कि भाई रीपेमेंट पीरियड विल बी 5 ईयर्स और 6 ईयर्स और 8 ईयर्स पीरियड, तो 5, 6, 7, 8 साल का जो ये 5 ईयर्स का पीरियड है, तो मींस बैंक भी इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है गोइंग कंसर्न, तभी तो आपको लोन दे रहा है। आप भी ये मान रहे हो कि भाई मैं इस मार्केट में आने वाले 4-5 मंथ्स तक एस्टैब्लिश रहूंगा, 4-5 ईयर्स तक एस्टैब्लिश रहूंगा, तभी आपने 4-5 साल का लोन लिया। तो ये प्रिंसिपल हर कोई बिजनेसमैन फॉलो करता है। ये बात अलग है कि थ्योरेटिकली उनको ये बात पता नहीं होती कि भाई हम बिजनेस एंटिटी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। हम हमारी जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे असेट्स के दो क्लासिफिकेशन हैं, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट्स, और लाइबिलिटीज के क्लासिफिकेशन में, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज का जो क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज ऑनली बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। जो हमें लगता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा, तो वो सारी असेट्स हमारी कौन सी होंगी, नॉन करंट असेट्स, और जो लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हो, मतलब शॉर्ट टर्म में हो, 2-4-3 मंथ के लिए हो, तो वो करंट असेट्स। हमारी जो बैलेंस शीट बन रही है एक्चुअली वो भी बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ही बन रही है, क्योंकि उसके अंदर हमारे सारे वो असेट्स और लाइबिलिटीज हैं जिनका पेमेंट पीरियड या जिनकी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाने वाले। तो ये प्रिंसिपल हमें एक्चुअली ये बताता है कि बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन इन फोरसीएबल फ्यूचर, जो हमारा आने वाले 2-3-4 साल का टर्म है उसमें हमारा ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए हम नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, और इवन सारी असेट्स और लाइबिलिटीज जो क्रिएट हो रही है एक्चुअली ओनली बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। हमारी बैलेंस शीट में जो डिस्क्लोजर होता है नॉन करंट असेट करंट असेट का और नॉन करंट लाइबिलिटी का, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये बिजनेस आने वाले फोरसीएबल फ्यूचर में कंटिन्यू